नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू व्हाट व्हाई एंड एफएन के क्या क्यों और यदि। मैं कमलेश खोलिया आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि आप कैसे किसी भी फोन को हार्ड रिसेट कर सकते हो। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, आप कैसे किसी भी फोन को हार्ड रिसेट कर सकते हो। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन है, हार्ड रिसेट होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जब आपका फ़ोन कई बार हैंग हो जाता है या फिर वो किसी वायरस की वजह से अटक जाता है बीच में, और आप उसे लेके चले जाते हो दुकानदारों के पास कि भैया इसे ठीक कर दो, और बदले में वो आपसे अच्छी खासी फीस जो है चार्ज करते हैं और बदले में जो है आपको फ़ोन को ठीक करके देते हैं। बेसिकली वो क्या करते हैं कि या तो वो हार्ड रिसेट करते हैं सॉफ्टवेयर द्वारा, रिकवरी मोड द्वारा, या फिर जो है वो आपके सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि आपका फ़ोन जो है बीच में रुक चुका है, उसमें वायरस की वजह से हैंग हो चुका है और आपको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आप उसे हार्ड रिसेट कर सकते हो। हार्ड रिसेट सिंपल से लैंग्वेज में कहा जाए तो जो आप अपनी सेटिंग्स में जाकर के फैक्ट्री डाटा रिसेट करते हो, अपने फ़ोन को फॉर्मेट करते हो, रिसेट करते हो, उसी को बिना आप फोन में जाए, यानी कि बिना सेटिंग्स में जाए, इवन आपका लॉक लगा हुआ तब भी जो है आप अपने फोन को रिसेट कर सकते हो। तो वही मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कैसे कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने क्रोम ब्राउजर में जाइए, और क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद में आप यहां पे आप कोई सा भी ब्राउजर यूज कर सकते हो जो आपके पास, यूसी ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर, कोई सा भी, सिंपल है। बस आपको एक चीज आपको यहाँ पे सर्च करनी है, वो क्यों वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पे आपको सर्च करना है हाउ टू हार्ड रिसेट। आपने अपने फोन का जो है मॉडल नंबर लिख देना है। देखो ये लिखना है हाउ टू हार्ड रिसेट माइक्रोमैक्स कैनवास A311, यानी कि ये मेरा मॉडल नंबर है फोन का। तो आपको अपना वाला मॉडल नंबर लगा देना है लास्ट में, यानी कि हाउ टू हार्ड रिसेट और रिसेट के आगे अपना मॉडल नंबर, अपने फोन का मॉडल नंबर जो है आपको लगा देना है। उससे होगा ये कि जब आप अपना ये सर्च कर लोगे, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया हाउ टू हार्ड रिसेट माइक्रोमैक्स कैनवास नेटवर्क A311 और उसको मैंने सर्च कर लिया, तो जैसे हम इस पेज पे आएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें हमारे फ़ोन को कैसे हार्ड रिसेट करना है। अब मैं यहाँ पे ये क्यों बता रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखा सकता था कि आपको जो आपके यहाँ पे ये जो वॉल्यूम का अप बटन होता है और नीचे डाउन बटन होता है वॉल्यूम का, और प्लस पावर का बटन होता है और होम बटन्स होते हैं, तो इन बटन्स में छेड़ाछाड़ी करके इनको प्रेस करके अपन रिकवरी मोड में चलते हैं। अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर फोन का रिकवरी मोड में जाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि किसी फोन में आपको पावर बटन प्लस आपको वॉल्यूम वाला अप बटन दोनों एक साथ दबा के रखने पड़ते हैं। हो सकता है किसी फोन में आपको वॉल्यूम का नीचे वाला बटन, डाउन बटन और पावर बटन दोनों एक साथ दबा के रखने पड़ते हैं, तब जाके आप रिकवरी मोड। किसी फोन में होम बटन साथ में दबाना पड़ता है, पावर बटन दबा, तो इस तरीके से आपको आपके मॉडल, आपके फोन का एग्जैक्टली बटन पता चल जाएंगे कि आपको कौन से बटन प्रेस करके रखने हैं, तब जाके जो आपका फोन जो है रिकवरी मोड में जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँ यहाँ पे मोर आइटम्स पे, इस ब्लॉग को मैं खोलूँ, आपको कोई सा भी ब्लॉग या वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ पे आप लोगों इसके बारे में बता रहे होंगे। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ कि माइक्रोमैक्स को कैसे हार्ड रिसेट करते हैं। यहाँ पे मेरे को इंस्ट्रक्शंस बताए जा रहे हैं कि वॉल्यूम अप वाली की है उसको दबाना है और प्लस पावर बटन दबाना है, और उसके बाद में आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने, तो वो तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ, ताकि सिंपल आपको इतना कर लेना है जितना मैंने आपको बताया, आपको आपके मॉडल नंबर पता करके उसको बटन्स पता कर लेना है कि क्या करना है। बाकी की चीज़ आप प्रैक्टिकल वाले वीडियो में देखिए जो कि इसके बाद में अटैच कर रहा हूँ। तो चलिए अब जो है हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि कैसे आप किसी भी फ़ोन को हार्ड रिसेट कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास ये मेरा माइक्रोमैक्स कैनवास नेटवर्क A311 है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो मैंने पहले बताया कि आपको आपके फ़ोन का मॉडल नंबर देख करके ये देख लेना है कि आपके फ़ोन के जो कीज़ जो है, यानी कि बटन्स कौन कौन से आपको प्रेस करने हैं। तो मेरे केस में मुझे पता चल चुका है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे मैं पावर बटन दबा के रखता हूँ और उससे पहले स्विच ऑफ कर लेता हूँ, तो मैंने इसे स्विच ऑफ कर लिया। इसके बाद क्या करना है, ये स्विच ऑफ हो चुका है। इसके बाद में मुझे क्या करना है, पावर वाला बटन प्लस वॉल्यूम अप वाला बटन दोनों को एक साथ दबा के रखना है। तो मैंने इसको और इसको यहाँ से दोनों को एक साथ दबा के रखा, कब तक, जब तक कि रिकवरी मोड ना आ जाए। इसको दबा के रखिए जब तक कि आपके सामने रिकवरी मोड का ऑप्शन ना खुल जाए। एक एंड्रॉयड का आइकन आएगा, ये देखिए ये आ चुका है, ये इसको कहते हैं रिकवरी मोड। अब आप कोई सा भी एक बटन दबा के देख लीजिए या पावर का बटन दबा के देख लीजिए, ये रिकवरी मोड है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको रिकवरी मोड कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे
हार्ड रिसेट करेंगे। आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये जो आप पांचवें नंबर का ऑप्शन देख रहे हो वाइप डाटा फैक्टर रिसेट, ये आपके केस में हो सकता है तीसरे नंबर पे मिले, चौथे नंबर पे या पांचवें नंबर पे, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में जो है पावर बटन प्रेस करना है। यानी कि पावर का बटन कब प्रेस करते जब सेलेक्ट करना होता है, और डाउन का बटन कब यूज करते तब हमको नीचे लेना होता है यानी कि नेगेशन, और ऊपर वाला कब जाने के जबकि ऊपर लेना होता है। तो यानी कि ये नेगेशन की काम करती है और सेलेक्ट की काम करती है। तो चलिए अब पावर बटन को दबा देते हैं, और दबाने के बाद में जो है वापस से ये ऐसा ऑप्शन आएगा, तब आपको क्या करना है यस वाले पे क्लिक करना है, यस डिलीट ऑल यूजर डाटा, उसके बाद में वापस से पावर वाला बटन क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ आ रहा है इरेजिंग, यानी कि आपका ऑल डाटा जो है डिलीट हो रहा है, और उसके बाद में जो आपका फ़ोन हार्ड रिसेट पूरा हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी फ़ोन को हार्ड रिसेट कर सकते हो बिना आप फ़ोन की सेटिंग्स में जाए। और ये क्यों कर सकते हो, क्योंकि कई बार आपका फ़ोन हैंग हो जाता है, बीच में रुक जाता है, और आप चले जाते हो दुकानदार के पास में कि इससे भैया ठीक कर दो, और वो बदले में आपको हार्ड रिसेट करके दे सकते हैं या फिर कुछ भी करके दे देंगे, जिसकी आपको ऐसा लगेगा कि भैया ये फ़ोन जो है पूरा ठीक हो चुका है। तो चलिए अब जो है हम इसे वापस से, ऐसा कुछ आपको नज़र आएगा वापस से रिकवरी मोड, क्योंकि ये जो है हमने ऑल डाटा डिलीट कर दिया। अब आपको सिंपली इसे क्या करना है, रिबूट सिस्टम नाउ पे क्लिक करना है और उसे ओके प्रेस कर देना है पावर बटन, और सिंपल आप अपने फ़ोन को छोड़ दीजिए, ये अपने आप ऑन हो जाएगा और पूरा सिस्टम जो है आपका डेटा वगैरह डिलीट हो जाएगा, बट आपका फ़ोन जो है ठीक हो जाएगा। और इस तरीके से आप किसी भी फ़ोन को हार्ड रिसेट कर सकते हो। तो एक बार ये ऑन हो जाए, तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ये फ़ोन जो है हार्ड रिसेट हो चुका है, क्योंकि ये रिबूट जब हम इसे करते हैं, सिस्टम रिबूट जब करते हैं तो ये थोड़ा टाइम लेता है, इस वजह से वीडियो को मैंने पॉज कर दिया। बट अब आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ आ रहा है, लैंग्वेज चूज़ करो, ओके नेक्स्ट करो, और इसके बाद में जो आपका वाईफाई वगैरह सर्च करेगा उसके साथ जो है आपको इसको कनेक्ट करवा के जो है आगे बढ़ जाना है, स्किप कर देना है और आगे बढ़ जाना है। तो इस तरीके से आप किसी भी फ़ोन को जो है हार्ड रिसेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पूरा इस वीडियो में इंस्ट्रक्शंस बताए। तो देखिए, इससे पहले मैंने जब इसका पावर बटन ऑन किया था तो आपको पासवर्ड्स दिखाई दे रहे थे, बट यहाँ पे अब कोई पासवर्ड्स नहीं है, पूरा फ़ोन सेम वैसे के वैसे बन चुका है जिससे कि ये कंपनी से निकल के आया था। तो इस तरीके से जो है आप अपने फ़ोन को हार्ड रिसेट कर सकते हो। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मैं मिलता हूँ आपसे मेरी अगली वीडियो में, सो टिल देन बाय बाय।